सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लोहरदगा जिले के कुणु कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट के प्रनेता कौशल किशोर जायसवाल ने पर्यावरण धर्म पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन 8 मूल मंत्रों की शपथ के साथ पौधा लगाकर तथा समापन पौधा वितरण कर किया। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण का पाठ भी पढ़ाया। पर्यावरणविद द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण व रोपण के 53वां वर्ष और पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट के 43वां वर्ष पूरा होने के उपरांत देश के 10 राज्यों में अभियान चलाकर 2,00,000 निःशुल्क पौधा वितरण व रोपण के साथ पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी का आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई को कर दी गई है। अभियान को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ दिलाते हुए पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि देश को मानव जैसे शत्रु से आजादी तो मिली है, पर पर्यावरण प्रदूषण नामक शत्रु से अभी तक आजादी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देशवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत को देश से उखाड़ फेंकने के लिए आपसी एकजुटता दिखलाकर लाखों वीर सपूतों की बलिदानी देकर देश को आजादी दिलाई थी, ठीक उसी तरह पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ लेकर देश के सभी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक को पौधे लगाने और वनों को बचाने का दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी हम देश को पर्यावरण प्रदूषण जैसी शत्रु से आजादी दिलाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत तो केवल मानव को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन प्रदूषण जैसी विनाशक शक्ति तो पूरी दुनिया के सभी सजीव निर्जीव को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं पड़ गई है, जिसका दुष्परिणाम कहीं लोग पानी में पड़ रहे हैं तो कहीं पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, बेतहाशा ठनका गिरने से कई बेगुनाह लोग काल के गाल में असमय समा जा रहे हैं, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते लोग पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों को नहीं अपनाया तो धरती के बढ़ते बेतहाशा तापमान और जल संकट के साथ ऑक्सीजन संकट से भी जूझना तय है। श्री जायसवाल ने पर्यावरण धर्म के स्लोगन के साथ समापन में कहा कि वनों की सुरक्षा केवल लाठी से नहीं वन राखी से भी होगी। रक्षा बंधन केवल मानव के कलाई पर नहीं वनों के पेड़ों पर भी होना अति जरूरी है। मौके पर वार्डन सीमा समेत सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं व बच्चे मौके पर उपस्थित थे। हमको करते प्यार, निकट से हमको करते प्यार, प्राण भाई से मिल पाई, प्राण भाई से मिल पाई, भोजन जल की है बहुताई, भोजन जल की है बहुताई, बुद्धि स्वस्थ होकर हर्षाई, बुद्धि स्वस्थ होकर हर्षाई, मिले प्रभु प्रेम का, मिले प्रभु प्रेम का, अद्भुत यह संसार, अद्भुत यह संसार, धन्यवाद है प्रभु तेरा, धन्यवाद है प्रभु तेरा, हम करते बारंबार, हम करते बारंबार, करुणाएं हमारी ऐसी, करुणाएं हमारी ऐसी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी, जाए छोड़कर भले कभी हम, जाए छोड़कर भले कभी हम, सदा चले व्यवहार, सदा चले व्यवहार, धन्यवाद है प्रभु तेरा, धन्यवाद है प्रभु तेरा, हम करते बारंबार, हम करते बारंबार। मानना है कि बन है तो हम हैं, बन नष्ट हो जाएगा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि को नाश होने से अगर बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए, जन जल जंगल जमीन जानवर पक्षी और प्रकृति के बचाने का उद्देश्य है। मेरे बच्चों, मैं आपको पर्यावरण की पाठ पढ़ाने आया हूँ। ये पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र है और पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को हम इसलिए मानने के लिए भी बोल रहा हूँ
ये भी आपको बताना चाहता हूँ, किसी वो वृक्ष एक समान पीते बीस करते कल्याण, भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ आप बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाते हैं, लोग जल चढ़ा रहे हैं, चढ़ाना भी चाहिए, हम लोग भी जाते हैं चढ़ाने, उनको भी जल चढ़ाइए, लेकिन वो कितना फल देंगे कब देंगे वो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए आज हम अमरूद लगाने के लिए कह रहा हूँ, आज हम आम लगाने के लिए कह रहा हूँ, और लगाने के लिए उनको भी जल चढ़ा के बचाइए, समय पर जब फल देंगे जल चढ़ाएंगे क्या कुछ दिखेगा कि हमने जो काम किया, जो हम सेवा किया, भोले राम तो हमको कुछ दिए, कब दिए कितना दिए ये तो पता नहीं है, लेकिन इनको जो सेवा की है दिखेगा कि हमने कितना सेवा किया, तो होगा कि नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बच्चे लोग किसी को बताने आया, ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये स्थिति है, जीव वृक्ष एक समान पीते बीस करते कल्याण, भगवान भी एक तरह सृष्टि के माध्यम से बचाए थे, आज पूरे दुनिया में प्रदूषण की आग लगी है, वह आग पानी से नहीं बुझेगी, शुद्ध हवा से बुझेगी, शुद्ध हवा बनाने का कोई उद्योग फर्जी नहीं है, ये पेड़ और पौधे ग्रीन उद्योग है, हम ग्रीन उद्योग से हम प्रदूषण नामक समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे देश के शहीदों के मदद से हम मानव के शत्रु को भगा दिया, आजाद हो गए, क्योंकि असली आजादी नहीं हुए, हम प्रदूषण से आजादी नहीं हुए, यही स्थिति अभी फिर पैदा हुआ है, वो तो पहले हमारे देश के नौजवान शहीदों की मदद से हमें मानव रूप शत्रु का काम नौबत के आया है, पूरी दुनिया के सभी मानव को मिलकर एक साथ प्रदूषण से आजाद होना होगा, कारण कि प्रदूषण अंधाधुंध वनों की कटाई, जिस प्रकार से वनों की कटाई की गई उस अनुपात से वनों की रोपाई नहीं की गई, जनसंख्या बढ़ गया, उद्योग बढ़ गए, परमाणु ऊर्जा का तरह तरह का